सीहोर में निजी स्कूल की मनमानी के चलते एक बच्चे को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग में लिखित शिकायत की है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 8 वर्ष का आरब सीहोर के शारदा विद्या मंदिर में कक्षा 2 में अध्ययनरत है। हम लोगों ने अभी तक 6,000 रुपये फीस जमा कर दी है, परंतु स्कूल के संचालक द्वारा पूरे वर्ष की फीस मांगी जा रही है, जिसके चलते आरब को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। इसके अलावा स्कूल में मिलने वाली ड्रेस एवं किताबें एक ही दुकान पर मिलती हैं, जो कि बहुत महंगी दर पर बेची जाती हैं। परिजनों ने किताबें और ड्रेस की कालाबाजारी को रोकने की गुहार लगाई है। शिकायत मिलने के बाद सीहोर डीपीसी रमेश चंद्र उइके ने उक्त मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज मैं पेपर देने के लिए स्कूल गया तो आज मैम ने बोली कि जब नहीं तो घर उन्होंने की पेपर नहीं दिया मुझे, और उसके बाद तुम घर जाओ अभी। तो मैं रोते रोते घर आया, हम चाहते कि हम पढ़ाई करें। अरे मेरा भतीजा है, ये शारदा स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाता है। मैं परसों के दिन जाकर इसकी फीस जमा कर आया। भतीजा भतीजी दोनों जाते हैं, इनकी 6,000 रुपये फीस जमा कर चुका हूँ मैं, इसके कारण था। उसके बाद भी इसको पेपर देने नहीं दिया गया, ये घर पर रोता रोता आया। फिर मेरे को पता चला कि इसको पेपर देने नहीं दिया गया, तो मैं वहाँ बात करी मैंने वहाँ पर जाकर, तो उनका कहना ये है कि आप पूरी फीस जमा करो। सर अभी पूरी फीस कैसे जमा कर सकते हैं? इसके पापा कैसे हैं, काम करते हैं, इनकी कोई इतनी इनकम नहीं है कि एकदम से पूरी साल भर की फीस जमा कर दे। दूसरी चीज़ सर, इनकी जो भी ड्रेस है वो एक दुकान पे फिक्स है, हर साल इनकी ड्रेस चेंज हो जाती है हर 2-1 साल में। इनका जो कोर्स लेने के लिए जाएंगे वो मार्केट में तिगने चुगने दाम में मिल रहा है। बच्चे का जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम लिया जाए। दूसरी चीज़, जो चीज़ ये इनमें काला बाजारी कर रहा है ये कि ड्रेस पे फिक्स दाम कर रखे हैं और एक ही दुकान पे मिल रहा है, वो हर दुकान पे मिले जो भी सिलेबस है उसका एक जो न्यूनतम जो रेट है वो डिसाइड किया जाए और सब जगह मिले। पेरेंट्स के द्वारा आज आवेदन दिया गया है, संकुल केंद्र है ना, उसमें स्वामी विवेकानंद आता है और उनके प्राचार्य को निर्देशित किया कर दिया गया है कि उसकी जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। राहुल मालवीय, सीहोर।